उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मेडिकल कॉलेज में मासूम के गले में 7 वर्षों से फंसे सिक्के को बड़ी मशक्कत के बाद ईएनटी सर्जन डॉक्टर विवेक सिंह ने ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर विवेक सिंह द्वारा गले में फंसे सिक्के को गले से बाहर निकाले जाने के बाद 12 वर्षीय बच्चे ने राहत की सांस ली है। साथ ही बच्चे के परिजनों ने भी डॉक्टर का आभार व्यक्त किया है। दरअसल 7 वर्ष पहले बघौली थाना क्षेत्र के मुरलीपुरबा गांव के रहने वाले महेश का 12 साल का बेटा अंकुल 1 रुपए के सिक्के को गले में सटक गया था। हालांकि उस दौरान अंकुल को कोई भी समस्या नहीं हुई, जिसको लेकर परिजन निश्चित हो गए थे। लेकिन अब 7 साल बाद अंकुल को गले में दर्द हुआ व खाने पीने और सांस लेने में समस्या हो रही थी। समस्या के बाद अंकुल के बाबा उसे मेडिकल कॉलेज में ईएनटी सर्जन विवेक सिंह के पास लेकर आए, जहाँ डॉक्टर विवेक सिंह ने अंकुल का एक्सरे कराया, जिसमें गले में एक सिक्का फंसा हुआ नजर आया। इसके बाद डॉक्टर विवेक सिंह ने अपनी टीम के साथ अंकुल के गले में फंसे सिक्के को दूरबीन विधि से सर्जरी कर सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। जे मेरा भांजा है, जे 5 साल का था तब जे सिक्का एक का खा गया था। उसके बाद मैं एक सरा पेट का लिया, तो उसने डॉक्टर ने बोला था पेट का लिया होगा एक सरा, उसमें पेट में आ जाएगा सिक्का होगा, तो पेट में तो सिक्का निकला नहीं। तो उसके बाद में जैसे ही सही रहा, उसके बाद में अभी अप्रैल से दिक्कत मालूम हुई इसकी पीलिया की, तो मैंने जांच ली, एक्सरे लिया, उसके बाद में तो उसमें सिक्का निकला। फिर जिला अस्पताल हम आए, फिर यहाँ पे सर ने इसको भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में ऑपरेशन किया, ऑपरेशन से सिक्का निकाला है। कितने साल से सिक्का था? ये हो गया है 7 साल, पहले 5 साल का था, अब हो गया है 12 साल का, 7 साल हो गया है पूरा। सर्जरी के बाद अंकुल अब पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर विवेक सिंह ने बताया कि सर्जरी में अंकुल के गले में 2010 का बना 1 रुपए का सिक्का निकला है। अंकुल अब पूरी तरह से स्वस्थ है। अंकुल को अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर विवेक सिंह ने अपनी टीम के साथ अंकुल के गले में फंसे सिक्के को दूरबीन विधि से सर्जरी कर सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया। अंकुल नाम का बच्चा ओपीडी में आया था, तो वो एक्सरे लेके आया था, दो तीन एक्सरे थे उसके पास, तो उसमें से एक एक्सरे तो उसी दिन का था, 4 तारीख का, जिसमें दिख रहा था कि उसके गले में सिक्का फंसा हुआ है। और जो दूसरा एक्सरे था वो लगभग 1.5 महीने पुराना एक्सरे था, उसमें भी सिक्का फंसा हुआ था। फिर पूछने पता चला कि ये सिक्का जो उसके परिजन बता रहे थे, उसका मामा साथ में आया था, तो उसने बताया कि ये सिक्का इसने जब ये 5 साल की उम्र का था तब उसने खा लिया था। अभी वो 12 साल की उम्र का है, और जब 5 साल की उम्र का था तब उसने सिक्का खाया था। और उसके बाद वो किसी डॉक्टर के पास उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने फिर पेट का एक्सरे कराया, उसमें कोई सिक्का दिखा नहीं, लेकिन सिक्का गले में फंसा हुआ था। उसके बाद उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी खाने पीने में, तो उसने लोकल प्रैक्टिशनर से ना ट्रीटमेंट लिया होगा उस समय, तो उसके बाद वो सिक्के से उसको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि खाने के गले में जब सिक्का फंस जाता है तो वो चिपक जाता है, खाना जाता रहता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। जब बच्चे को कोई दिक्कत हुई नहीं तो ये सिक्का दोबारा कहीं निकलवाने गए नहीं है। दो ढाई महीने पहले ये पीलिया का ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए हुए थे, तो उन्होंने रूटीन चेकअप में फिर से एक्सरे कराया, तो एक्सरे में सिक्का फंसा हुआ दिखा। तो उनसे उन्होंने पूछताछ की होगी, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इधर भी तो कोई सिक्का नहीं खाया था, हाँ जब ये 5 साल की उम्र का था तब इसने सिक्का खाया था, तो वही फंसा हो सकता है अभी तक, क्योंकि हमने निकलवाया नहीं था और वो निकला भी नहीं था कि लैट्रिन के रास्ते कभी कभी सिक्का निकल जाता है। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो सिक्का निकला नहीं था, तो हमें भी डाउट हुआ कि इतना पुराना, ये तो 7 साल का गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत कभी कभी हो जाती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कभी कभी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमने फिर प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन करा करके ओटी में 5 तारीख को लिया बच्चे को और सिक्का निकाला। थोड़ी सी मुश्किल हुई थी सिक्का निकालने में, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे जो इस खाने की नली के अंदर की जो म्यूकोसा होती वो जमा हो गई थी, ग्रैनुलेशन टीसू बोलते हैं, वो बहुत सारे बन गए थे, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हुई थी। तो उसके बाद सिक्का तो निकल गया था। फिर सिक्का जब निकाला जब हमने, तो सिक्के की कंडीशन देख के हमें भी ये लगा कि हाँ ये 7 साल पुराना ही सिक्का है, क्योंकि सिक्का बीच में से गलना शुरू हो गया था और पूरा काला पड़ गया था, और ये 2010 का बना हुआ सिक्का था, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि 7 साल पुराना ही सिक्का था, क्योंकि अभी महीने दो महीने का फंसा हुआ सिक्का इतना ज़्यादा नहीं गल जाता है। जैसा कि आपको फोटो मिली होगी, फोटो में आप देखिएगा सिक्के को, मरीज के पास सिक्का भी पड़ा होगा, वो भी आप देखिएगा। तो अभी बच्चा ठीक है, वार्ड में है, उसको अभी 2 दिन तक हमने बिना खाली पेट रखा, बिना मुँह से कुछ खाए पिए रखा है, जिससे कि खाने की नली को हील हो जाने का पूरा टाइम मिल जाए,
आज हमने उसको पानी बिस्किट वगैरह खिलाया है, बच्चे ने अच्छे से खाया और कोई उसको तकलीफ़ नहीं हुई, और अगर सब कुछ सही रहा तो कल उसकी हम छुट्टी का प्लान कर रहे हैं।